राउरकेला में एफआईएच प्रो लीग का अंत भारतीय टीम ने जीत के साथ किया है। जी हां, उसने अपने आखिरी मुकाबले में आयरलैंड को 4 गोलों से पराजित किया है। तो कैसे मिली भारतीय टीम को ये जीत, और जो ये भुवनेश्वर और राउरकेला में ये एफआईएच प्रो लीग खेला गया, उसमें भारत किस स्थान पर रहा, आगे क्या कुछ होने वाला है, ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एफआईएच प्रो लीग के अपने आखिरी मैच में भारत ने आयरलैंड को 4 गोलों की शिकस्त दी है। हालांकि देखिए, अगर आप स्कोर लाइन देखें तो लगता है मुकाबला बिल्कुल एक तरफा हुआ है, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है, क्योंकि आयरलैंड ने भी आई कैचिंग अटैकिंग हॉकी खेली है और उसकी तारीफ बनती है। उन्होंने कई अटैक किए, शुरू से ही अटैक किए, लेकिन पहले क्वार्टर के आखिरी 2 मिनटों में उनके लिए जो है सब कुछ गड़बड़ हो गया। पहले जब भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला तो हरमनप्रीत ने जोरदार शॉट लगाया, गोलकीपर से रिबाउंड होकर जब गेंद लौट रही थी तो नीलकंठ मौके की तलाश में थे, जबरदस्त शॉट लगाया और भारतीय टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद क्या होता है कि अगले ही मिनट में आकाशदीप जो है वो भारत के लिए दूसरा गोल दागते हैं। वहां पर संजय ने रिवर्स हिट पास किया था और इस मौके को जो है आकाशदीप ने गवाया नहीं और भारत पहले क्वार्टर की समाप्ति पर 2-0 से आगे रहा। दूसरे क्वार्टर में भी जो है आयरलैंड की टीम पिछड़ने के बावजूद अटैक करती रही, लेकिन उसे गोल नहीं मिला। गोल मिला भारतीय टीम को तीसरे क्वार्टर में, जब गुरजंत ने जो है वो गोल दागा और मनप्रीत ने जो है वो पास किया था उन्हें, और गुरजंत ने बिल्कुल खाली पड़े नेट में गेंद को डाल दिया और भारतीय टीम 3-0 से आगे हो गई। इसी पर तीसरा क्वार्टर खत्म हुआ और चौथे क्वार्टर के आखिरी मिनट में जुगराज ने पावरफुल ड्रैग फ्लिक लगाया और भारतीय टीम 4 गोलों से मैच जीत गई। देखिए, आयरलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने बहुत सारे अटैक बनाए, लेकिन फिनिशिंग कर पाने में वो नाकाम रही और इस तरह से भारतीय टीम को इस मैच से पूरे 3 अंक मिले। अगर इस एफआईएच प्रो लीग में हम भारतीय प्रदर्शन की बात करें तो उसने 8 मैच खेले और इन 8 मैचों से उसे 15 अंक मिले और अंक तालिका में वो अभी तीसरे स्थान पर है एफआईएच प्रो लीग में। अब इसके बाद यूरोपियन लीग खेला जाएगा और वो मई जून में खेला जाएगा और जिसकी शुरुआत भारत 22 मई को करेगा अर्जेंटीना के खिलाफ। तो अभी ये एफआईएच प्रो लीग आगे भी चलेगा। अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो अगर भारतीय टीम की हम बात करें तो उसने 3 स्ट्रेट विन हासिल किए, तो 9 अंक उसे वहां मिले। इसके बाद 2 जो है उन्होंने पेनल्टी शूटआउट में जीता मुकाबला, तो 2-2 अंक उन्हें वहां मिले, तो ये 13 अंक हो गए। और जो उन्होंने 2 मुकाबले पेनल्टी शूटआउट में गवाए उससे उन्हें 1-1 अंक मिला, तो उसके इस तरह से 15 अंक हुए। तो अभी आपके लिए सूचना ये कि एफआईएच प्रो लीग के अपने आखिरी मैच में भारत ने आयरलैंड को 4 गोलों से पराजित कर दिया है और अब एफआईएच प्रो हॉकी लीग का जो अगला लेग होगा वो यूरोपियन लेग होगा और वहां भारत का पहला मुकाबला अर्जेंटीना से होगा 22 मई को। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।